ठीक है, तो क्वेश्चंस का आंसर कर लें, थोड़ा देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या बोलता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया विद 20 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड। देखो ये जो लिस्ट आई है, ये मतलब कैसे निकाली गई है, इंडिया की टॉप 20 कंपनी जो भी हैं उनकी वैल्यू, ठीक है, टॉप 20 कंपनी की जो वैल्यू आएगी प्लस पूरी दुनिया की जितनी भी वैल्यू निकल रही है मतलब कंट्री वाइज, तो उसमें हम कहाँ खड़े होते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट निकाली है किसने, हुरून ग्लोबल इंडेक्स। ये कई बार पूछा जाता है हुरून ग्लोबल, ये काफी इंपॉर्टेंट संस्था है क्योंकि हुरून एक और हमारा वो निकालती है इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं यूनिकॉर्न। ये यूनिकॉर्न बनते हैं, यूनिकॉर्न कंपनीज। यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती हैं, वो कंपनी जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी हो, ठीक है, 1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी हो, और आज के टाइम पे देखा जाए तो लगभग 82 करोड़ मतलब 8,200 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन जिनकी हो चुकी हो, वो सब कंपनी हमारी यूनिकॉर्न कंपनी में कहलाती हैं। तो 1 बिलियन की वैल्यूएशन जिनकी हो गई हो, ये भी इंडेक्स रून ही निकालता है, तो एक बार पूछा गया था। ठीक है, इस बार निकाला है 20 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज का, तो इंडिया की रैंकिंग इसमें कहां पर आती है। अच्छा ठीक है, प्रिंसी आशीष, ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पर इंडिया स्टैंड करता है, फिफ्थ पोजीशन पर इंडिया स्टैंड करता है, और इसमें ज्यादातर जो कंपनीज है ना टॉप 20 में, ये सारी लव 10-11 कंपनीज हमारी मुंबई की बेस्ड ही हैं। मिरॉस लॉ ये पास अभी हो चुके हैं, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, ये असल में एस्ट्रोनॉट थे और ये पोलैंड के ये पहले एस्ट्रोनॉट थे जो अब पास अभी हो चुके हैं। विच कंट्रीज टीवी, अच्छा देव जोशी एक एक्टर हैं जो टीवी एक्टर हैं, ठीक है, ये टेस्ला के जो स्पेस एक्स द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है ना मून ट्रिप, मून पर जाने का, ठीक है, उसमें ये क्रू रहेंगे, डियर मून क्रू, तो ये उसके मेंबर रहेंगे, या यूं कह सकते हो कि डिजिटल रहेंगे एक तरीके से। तो ये कहाँ के हैं, ये नाम से ही समझ में आता है, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये इंडिया के ही हैं, है ना। नेक्स्ट है, एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर विल इनॉग्रेट द इंडिया ग्लोबल फोरम। अब इससे सिमिलर सा तुमको एक और मिला होगा जिसमें हमने बात की थी इंडिया ग्लोबल फोरम कॉन्सेप्ट करके था, ठीक है, तो वो हमारा बेंगलोर में हुआ था। ये इंडिया ग्लोबल फोरम ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया है जयशंकर प्रसाद द्वारा, ये हमारा यूएई में, दुबई में इसे इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। अब ये फोरम करता क्या है, फोरम बेसिकली कुछ नहीं करता है, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारी कंपनीज हैं, इनके लिए कह सकते हो कि एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, तो हमारे इन्वेस्टर्स कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं और फंडिंग हासिल कर सकती हैं, इतना ये सहयोग कर सकता है। हु वॉन गोल्ड मेडल इन वेमेन एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन 2022, तो अभी गोल्ड मेडल मिला है। किसमें मिला है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, किसे अभी गोल्ड मेडल मिला है। अच्छा ये कहाँ हुई थी, मध्य प्रदेश एकेडमी में हुई थी, मध्य प्रदेश एकेडमी, तो कौन जीता है, दैट इज दिव्या, दिव्या को ये अवार्ड मिला है, तो याद रखना ये चीजें, ठीक है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, अगर कोई करंट अफेयर से जुड़ा रहा है
तो ये जरूर देख सकते हैं कि हमारा जो मई महीने में एक व्यक्ति हैं, ठीक है, शायद नाम याद आ रहा होगा, नरेंद्र बत्रा, ये 2017 में सिलेक्ट इलेक्ट किए गए थे एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, लेकिन इन पर फिर करप्शन के चार्जेस लगे और इन्होंने हटने से इनकार कर दिया था, ठीक है, पार्शियलिटी के भी इन पर चार्जेस लगे थे और पर्सनल बेनिफिट के भी चार्जेस लगे थे, जिस पर प्रेशर आया और इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने इंडिया को बैन करने की धमकी दे दी थी कि हम आपको ओलंपिक से बैन भी कर सकते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, ठीक है। बीच में जाके अभी सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है और कहता है कि आपको दिसंबर तक इसके चुनाव कराने पड़ेंगे, किसके, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव कराने पड़ेंगे, नहीं कराने पर हम बैन कर दिए जाएंगे तो ओलंपिक खेल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी ये चुनाव हुए हैं जिसमें, अच्छा, नरेंद्र बत्रा को काफी प्रेशर के बाद रिजाइन करना पड़ा था, मतलब इन्होंने आसानी से रिजाइन नहीं किया था, तब से ये पोस्ट खाली डली हुई है, ठीक है, इलेक्शन हुए नहीं है। तो अच्छा, ये तो वाइस प्रेसिडेंट की हम बात कर रहे हैं, इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये कौन है, अभी रिसेंटली बनाई गई हैं, सारे इलेक्शन अभी हुए हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए, पीटी उषा, ये पहली वेमेन है, फर्स्ट वेमेन है जो कि प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, पीटी उषा, ठीक है। और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है, अजय एच पटेल, इन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल रहा था, टोटल इसमें 6 मेंबर होते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो कमेटी है, ग्रुप है, इसमें 6 मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अदर लोग भी होते हैं, इन सब का इलेक्शन हुआ है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसने, अच्छा बैन, अच्छा हमारे यहाँ क्या होता है, सेलिंग ऑफ सिगरेट बैन किया जाता है, बाइंग ऑफ सिगरेट बैन नहीं होता है लगभग, मतलब इंडिया में तो बैन है ही नहीं सिगरेट, आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, लेकिन पब्लिक प्लेसेस में इसे पी नहीं सकते, ठीक है। और 2020 में हमने ई सिगरेट को बैन कर रखा है, ठीक है, ई सिगरेट को ऑलरेडी बैन कर रखा है। अच्छा, अभी रिसेंटली बात यह चल रही है कि अभी विंटर सेशन चल रहा है, ठीक है, 2023 में बजट में ये अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज की भी रिपोर्ट यही सजेस्ट कर रही हैं कि हमें 2023 में कंप्लीट बैन लगा देना चाहिए सिगरेट पर, सेलिंग एंड परचेजिंग और इस्तेमाल पर, तीनों पर, ठीक है, ये विचार चल रहा है, अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी इन्हें बैन कर चुकी हैं। अच्छा, एक कंट्री है जिसने कहा है कि भाई जो भी व्यक्ति 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा होगा उसे सिगरेट नहीं खरीदने दिया जाएगा, यानी वो बैन रहेगा, वो नहीं खरीद सकता, उससे पहले वाले खरीद सकते हैं। अच्छा, ये भी सही है, पीने पर बैन नहीं है, कोई बड़ा खरीद के दे सकता है, बाइंग पर ही तो बैन है ना। देखो, एकदम से हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इससे हम समस्या हो जाती है, फिर उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। अभी बिहार में लिकर बैन है भाई, शराब बंद है, और वहां शराब पीने से लोग मरे हैं, कुछ जगह है वहां पर लगभग 30-35 लोग मरे हैं शराब पीने से, नहीं सरकारी आंकड़ा 35 और 40 के बीच का है, लेकिन जो रीजनल आंकड़ा है वो बोलते हैं कि लगभग बहुत लोग मरे, और बहुतों ने तो रिपोर्ट ही नहीं किया कि हमारा वाला पी के मर गया, लगता है ऐसे ही वो चल बसा, रात में सोया था, सुबह मिला ही नहीं हमें, ठीक है। अब सोचो सरकार इसमें क्या करे। अच्छा, कमाल की बात है, उस पर भी कुछ लोग डिमांड कर देते हैं कि ऐसा है कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए, ये सरकार की गलती थोड़ी है, अब कल को तुम छत से कूद जाओ, इसमें सरकार क्या करेगी। अच्छा, ये बैन कर दी गई है तो काफी बड़ी मात्रा में वहां पर हमको ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग देखने को मिल रही है, यूपी से लोग चले जाते हैं, नेपाल से ले आते हैं,
नेपाल, नेपाल का बॉर्डर हमारा वैसा नहीं है, बाउंड्री नहीं लगी है, मतलब तार फार नहीं लगे रहे, खुला हुआ है जैसे हम और आप खड़े हैं ऐसे ही लगा हुआ है, तो पी के चले आते हैं, सप्लाई भी हो जाती है, सप्लाई भी हो जाती है, और जिसका घर पास में है तो फिर वो शाम को पीने चला जाता है, सुबह आ जाता है। सही है। अच्छा, शादियां भी हो जाती हैं नेपाल से इंडिया में, शादी हो जाती हैं, तो मान के चलो किसी ससुराल नेपाल में है, गए ससुराल, आ गए उत्तर प्रदेश में, भर भर के पियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। खैर, अब नीतीश जो है, नीतीश ये कह रहे हैं कि साहब हम बैन ना करें तो तुम डिमांड करते हो कि शराब पीने से लोग मर रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही, हमने बैन कर दिया तब भी लोग मर रहे हैं शराब पीने से, हम करें तो करें क्या, ठीक है, अब ये चीज लोगों को समझनी पड़ेगी। खैर, हाँ, किसने बैन किया है ये, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड ने ये बैन किया है। अच्छा, वैसे बैन तो हमारे यहां पन्नी भी है, प्लास्टिक भी बैन है, बैन है कि नहीं, ऑन रिकॉर्ड तो बैन ही है, ठीक है, लेकिन मिल जाती हैं, है ना, बैन जैसा कुछ दिखाई नहीं देता, तो बात यह है कि लॉ बनने में और लॉ लागू होने में, ठीक है, काफी अंतर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री हैज प्रिंटेड बैंक नोट फॉर द फर्स्ट टाइम विद टू फीमेल सिग्नेचर्स। देखो, फीमेल फीमेल सिग्नेचर कुछ नहीं है, एक फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, और उन्हीं के एक कोई साथ में है, तो दोनों लोगों ने ही उस पे नोट पे साइन किए हुए हैं, यूएस में, अमेरिका में। यूजली क्या है हमारे यहाँ पे, कौन साइन करता है नोट पे, गवर्नर, इनके यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ हाँ हमारे 1 रुपए वाले नोट पे हम भी करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे सेक्रेटरी करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करते हैं, सेक्रेटरी करते हैं। द कंट्रीज लार्जेस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशन स्टार्टेड इन विच स्टेट। आर्ट एग्जीबिशन, कला प्रदर्शन कहां पर हो रहा है, ये हो रहा है केरला में, ठीक है, केरला में, बिल्कुल यूएसए में, प्रिंसी सही है आंसर आपका राहुल, ठीक है बच्चे, न्यूजीलैंड, ठीक है आंसर। अच्छा, जो रूट बिकम विच प्लेयर टू स्कोर 1000 रन। अच्छा, इसमें थोड़ी सी कमी है, 1000 रन में तो बहुत सारे प्लेयर हैं, इसमें 1000 रन प्लस 50 विकेट्स का भी टर्म एंड कंडीशन शामिल है, जिसने 10,000 रन पूरे किए हों टेस्ट क्रिकेट में और 50 विकेट एटलीस्ट लिए हों, ऐसे कौन से नंबर के प्लेयर बन गए हैं, ठीक है। अच्छा, इनसे पहले दो और बन चुके हैं जिनका नाम है जैक कैलिस, नाम सुना है इनका, जैक कैलिस और हैं स्टीव वॉग, ये दो लोग ऑलरेडी हैं, और सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड और रन बनाने का रिकॉर्ड जैक कैलिस के नाम पर है, लगभग इन्होंने 200 से ऊपर विकेट ले चुके हैं और 13,000 14,000 के समथिंग रन बना चुके हैं, ठीक है, सेकंड नंबर पर ये आते हैं, और थर्ड नंबर पर अब जो रूट बन गए हैं, ठीक है, तो ये थर्ड नंबर पे बन गए हैं। इंडिया में भी बहुत लोगों ने 10,000 रन पूरे कर रखे हैं, ठीक है, और सबसे पहले देखा जाए तो सुनील गावस्कर ने कर रखे हैं रन पूरे, सचिन तेंदुलकर हैं, बहुत प्लेयर हैं फिर तो हमारे यहाँ जिन्होंने 10,000 रन पूरे कर रखे हैं। एम के स्टालिन, सीएम स्टालिन लॉन्च स्कीम टू अपलिफ्ट सैनिटेशन स्टाफ। सैनिटेशन स्टाफ का मतलब हो गया जो साफ सफाई करते हैं कर्मचारी, उनके लिए, ठीक है, उनके लिए स्कीम लॉन्च की है। क्या किया जाएगा, जो साफ सफाई कर्मचारी हैं इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और साथ ही साथ कुछ इक्विपमेंट हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है,
तो स्टालिन कहां के सीएम है? तमिलनाडु के। ठीक है, तो आंसर हमारा तमिलनाडु हो जाएगा। फर्स्ट इंडिया ग्लोबल फोरम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री, अभी बात की थी हमने ग्लोबल फोरम की, कहां पर हुआ था? दुबई में। ठीक है, डॉक्टर पीसी राठ वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ विच कंट्री। अब पीसी राठ नाम से इंडियन है, ठीक है, तो ज्यादा इसमें कुछ सोचने का बनता भी नहीं है। हु वॉज ऑनर्ड विद 25th श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। छोटे मोटे अवार्ड क्या पूछ। ठीक है, कौन? वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी कौन है वाइस प्रेसिडेंट? जगदीप धनखड़। खास होता नहीं, जहां पेड़ फेड़ होते हैं साल ट्री होते हैं उन्हीं। ठीक है, काफी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये कहां हो रहा है? ये हो रहा है असम में, असम में। कल्चर मिनिस्ट्री ने जोनल कल्चरल सेंटर्स स्टेब्लिश किए हैं, कितने स्टेब्लिश किए हैं जोनल कल्चर सेंटर? ये टोटल 7 किए हैं, कहाँ कहाँ किए हैं एक बार देख लेते हैं। दैट इज पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर एंड तंजावुर। सीबीआईसी इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन इनटू जीएसटी इवेजन गेमिंग कंपनीज को लेकर। तो कुछ गेमिंग कंपनीज हैं जिन्होंने जीएसटी टैक्स नहीं दिया है, उनको लेकर जांच शुरू कर दी गई है। किसने? सीबीआईसी ने। सीबीआईसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसने जांच शुरू कर दी है। तो कितना मामला बताया जा रहा है? अच्छा, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बैंक पूछता है। बैंक मोस्टली कोशिश करता है कि जिनमें नंबर्स आ रखे हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, तो फिर बताना है आपको कितने अमाउंट रहा होगा। लगभग 23,000 अमाउंट बताया जा रहा है। गवर्नमेंट रिसीव्ड हाउ मेनी करोड़ इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस फ्रॉम एंटिटीज फॉर ट्रांजैक्शन इन वर्चुअल डिजिटल असेट इंक्लूडिंग क्रिप्टोकरेंसी। 2022 के बजट में हमने ये कहा था कि जो भी डिजिटल
ट्रांजेक्शन डिजिटल प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट होगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने अब तक कितना टैक्स कलेक्ट कर लिया है? ये लगभग 60 करोड़ के आसपास है जो हमने डिजिटल प्रॉपर्टी से टैक्स कलेक्ट। अच्छा, डिजिटल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाता है? जैसे ये क्रिप्टो आ गए, आपने सुने होंगे गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, या आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर सुन रखी हो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल परचेज करके जो प्रॉफिट होगा उस पर भी आपको ये टैक्स देना होता है। इंटरनेशनल मास्टर हर्षवर्धन क्लिंच एशियन जूनियर चेस टाइटल एट विच कंट्री, तो ये चेस के चैंपियन हैं, ठीक है, प्लेयर हैं इंटरनेशनल मास्टर हर्षवर्धन। तो अभी इन्होंने, ठीक है, जूनियर चेस कहां पर हुआ था? अभी फिलीपींस में, ये अभी फिलीपींस में हुआ था। नेक्स्ट है, विच स्टेट सेट अप पैनल टू लुक इनटू प्रोवाइडिंग इंटरनल कोटा फॉर शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्वेशन है इसे दोबारा से रीडिसाइड किया जा रहा है। यूजुअली हमारा रिजर्वेशन फिक्स है, शेड्यूल कास्ट के लिए हमने दे रखा है, ओबीसी के लिए दे रखा है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी दे रखा है, ठीक है, ये सारे कोटा ऑलरेडी फिक्स हैं, बस इनमें चेंजेस किया जाएगा कि किस कम्युनिटी को कितना कोटा देना है। तो ये दोबारा से पैनल बनाया गया है और ऐसी हरकतें हम तब करते हैं जब इलेक्शन आने वाले होते हैं, ठीक है। यूजली आप चीजों को देख सकते हो कि किसी को क्या ही पड़ा है, ठीक है। और अभी रिसेंट अब इलेक्शन होने वाले हैं कर्नाटका में, तो कर्नाटका ने ये काम किया है, ठीक है। और कर्नाटका महाराष्ट्र का डिस्प्यूट चल रहा है, बताइए, है ना, ठीक है। बर्ड फ्लू रिपोर्ट किया गया है इंडिया में 2 villages में रैपिड रेस्पॉन्स टीम द्वारा। कहां पर ये बर्ड फ्लू की घटनाएं सामने आई हैं? ये आया है हमारा केरला से। अच्छा, बर्ड फ्लू के साथ साथ अब बात करेंगे कोरोना की भी, तो कोरोना के भी केसेस काफी इंडिया में तो नहीं है लेकिन हाँ चाइना में बहुत बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही आशीष, अनेबल टू लिसन, नो वॉइस, आ रही है कमेंट तो बच्चे कुछ और, तो भाई आवाज नहीं आ रही अब। ठीक है, कोरोना के केसेस हमको कुछ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, चाइना में ही है, इंडिया में नहीं है। और इंडिया में भी, ठीक है, आपको मास्क लगाने के लिए बोल दिया गया है, चीजों को देख लीजिए अपने अपने स्तर के हिसाब से। और कल भी शायद हमने ये बात की थी क्लास में, ठीक है, तो एंजॉय कोरोना। मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज ऑर्गेनाइजिंग नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। अच्छा, जो डेज होते हैं इनको याद रख लेना, डेज आपसे पूछे जाएंगे, यानी आप मोस्टली क्या है कि ऐसे जो डेज होते हैं ना ये आपके बैंक में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, और एसएससी में खास करके वो डेज जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हों, नेशनल इम्पोर्टेंस डे होते हैं, जैसे अभी विजय दिवस निकल के गया था हमारा, ठीक है, या आर्मी डे होते हैं, एनवायरमेंट डे, जो बड़े लेवल के होते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन से बैंक पूछेगा, एसएससी के चांसेस कम बनते हैं। खैर, ये कब हुआ है? वैसे अगर तुम देखने जाओगे ना, अगर तुम देखोगे ना, तो हर दिन कोई ना कोई डे सेलिब्रेट करते ही हम, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक दिन में हम दो दो तीन तीन दिन सेलिब्रेट कर लेते हैं, ठीक है। 365 दिन है टोटल साल में, तो ये मान के चलो 600 दिन होंगे, ठीक है। कुछ नेशनल हैं, कुछ इंटरनेशनल हैं, ठीक है, हाँ, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं उन्होंने शुरुआत किसने की थी, मतलब है कुछ ऐसा टाइप। और इसके अलावा भी कुछ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस डे होते हैं, वो ज्यादा हमारे लिए इंपोर्टेंट होते हैं।
यूनाइटेड नेशन ने जो डेजिग्नेट कर रखे हैं वो हमारे लिए काम के रखेंगे। तो ये कब हुआ है? 14 दिसंबर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर, बैंक रोट ऑफ 95 NPA टोटलिंग मोर देन हाउ मच मनी। तो ये पैसों वाला सीन आ गया, तो बैंक वाले ध्यान रखेगा। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी हमने कोई लोन दी है और वो लोन वापस नहीं आ रहा है, डूब गया है। अब ये जो घाटा है ये इनके बैलेंस शीट में ऐसा तब हटता है जब ये उसे राइट ऑफ कर देते हैं, यानी डिक्लेयर कर देते हैं कि इतना हमारा घाटा लग गया। साल के अंदर कितना राइट ऑफ किया जा चुका है? हालांकि एनपी बहुत है, मान के चलो तुमने कहा कि साहब हमारी पूरी कंपनी चलती है और एक साल में हमें घाटा 100 रुपए का लगा, ठीक है, ये तुम 100 रुपए बैलेंस शीट में दिखाओगे, राइट ऑफ नहीं करोगे, राइट ऑफ नेक्स्ट ईयर करोगे जब उसे हटा दोगे, माइनस उसे माइनस में दिखाओगे। खैर 10 लाख करोड़ का घाटा बताया जा रहा है कि लगभग इतना लग चुका है 5 साल में। और ये जो घाटा होता है ये कहां से आता है, मतलब कौन पे करता है इस घाटे के लिए? इसे हम ही लोग पे, बैंक है, ठीक है। अब बैंक में हमारा पैसा रखा हुआ है, हम लोगों का पैसा रखा हुआ है। अब बैंक ने किसी को लोन दे दिया, वो लोन वापस नहीं आया, तो बैंक डूबने वाला होगा। बैंक ना डूबे इसलिए क्या करेगी हमारी सरकार? फिर से बैंक को कुछ पैसे दे देगी ताकि बैलेंस शीट को सही कर लें, वो डूबे ना। अब सरकार ने अपनी जेब से पैसा बैंक को दिया, ठीक है, तब ये बैंक चल पा रही है। हमने पैसा दे रखा है और बैंक, सरकार ने पैसा दे रखा है, हमारा पैसा हमें मिल जाएगा लेकिन सरकार का पैसा वापस नहीं मिलेगा। अब हमने पैसा दिया हो या सरकार ने पैसा दिया हो, जेब हमारी ही है, सरकार कहीं से कमा के नहीं लाती है, हमारी टैक्सेस से वो चल रही है, ठीक है। अरे यार आवाज अभी तक नहीं आई क्या? फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑर्डर ऑल डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्रीज टू डिस्कार्ड ऑल व्हीकल्स मोर देन दिस ईयर। तो ये कह रहे हैं जो भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन गाड़ियों की एज 15 साल से ज्यादा हो चुकी है प्लस वो काम करने की स्थिति में नहीं है, ऐसी सभी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाए। और सेम पॉलिसी हमारी लागू भी है, स्क्रैप पॉलिसी, जिसमें कहा जाता है कि 15 साल से ज्यादा की गाड़ी सड़क पर नहीं चलने देंगे, अगर वो फिट नहीं है तो फिर आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा तभी उसे चला सकते हो। तो वही रूल यहां पे भी लागू होता है 15 साल वाला। आवाज आ रही है? मनु भाकर हु वॉन गोल्ड मेडल रिसेंटली बिलोंग टू विच गेम? तो कौन से गेम से? शूटिंग गोल्ड मेडल जीता था। विच स्टेट गॉट प्राइज इन द आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर? सबसे ज्यादा आयुष्मान हेल्थ कार्ड किसने बांटे हैं? ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। इंडियाज एम्प्लॉयबल टैलेंट राइजेस, ये कहना है किसका? वी वॉक्स इंडिया स्किल रिपोर्ट, ये एक प्राइवेट संस्थान है जो कि स्किल्स को लेकर और एम्प्लॉयबल टैलेंट को लेकर एक इंडेक्स जारी करता है, अपना रिपोर्ट जारी करता है, और ये कहता है कि जो वेमेन का वर्कफोर्स है ये इंक्रीज हुआ है ओवर द टाइम पीरियड इस साल और ये ज्यादा एम्प्लॉयबल हुई हैं, ठीक है। तो ये इंडेक्स जारी किया गया है कौन सी साल के लिए? 2023 के। अरे 23 आया नहीं है, इनकी रिपोर्ट 23 बोलती है, ठीक है। एक साल ये आगे चलते हैं, भविष्य देख लेते हैं ये।
गजब है। द फर्स्ट द पर्पल फेस्ट, अच्छा ये फास्ट लिख दिया है यहाँ पे, फेस्ट होगा पर्पल फेस्ट फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटी टू बी हेल्ड इन विच स्टेट। एक तरीके का फेस्टिवल है, ठीक है, किनके लिए होता है ये, जो लोग डिसेबल होते हैं, फिजिकली चैलेंज होते हैं, उनके लिए होता है। और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI भी पार्टिसिपेट किए थे। और CJI कौन है अभी, ठीक है, DY चंद्रचूड़, तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये फेस्टिवल कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। इंडियाज नवंबर रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन यानी CPI, ठीक है, CPI इंडेक्स हमारा अभी कम हुआ है पूरी साल में, नहीं तो पूरी साल में हमेशा 6% से ज्यादा रहता रहा, 7% 7.5% तक गया था, अभी रिसेंटली कम हो गया है। कितना कम हो गया है, बिलो 6% हो गया, असल में अभी चल रहा है हमारा 5.7% के समथिंग, ठीक है। एक और इंडेक्स होता है WPI, कल बात की थी हमने, ठीक है, तो WPI भी हमारा लगभग 4.5 की समथिंग कहीं चल रहा है। टूरिज्म मिनिस्टर डेडिकेट 4 प्रोजेक्ट अंडर स्वच्छ, अच्छा स्वदेश दर्शन स्कीम, स्वदेश दर्शन स्कीम असल में 2014-2015 में लॉन्च की गई थी, 2014-2015 में लॉन्च की गई थी, ताकि हम यहाँ पर जो टूरिज्म है, ठीक है, अपने ही इंडिया में टूरिज्म बढ़ा सकें, और खास करके इससे जो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं घूमने, जैसे कोई दुबई जा रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है, वहां ना जाके वहां पैसा ना खर्च करके इंडिया में ही पैसा खर्च करें, ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अभी इसमें कुछ और प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, कुछ और नए प्रोजेक्ट डेडिकेटेड किए गए हैं, कौन सी सिटी के लिए किए गए हैं ध्यान रखना, ये जो योजना थी ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज की थी, सेंटर की ये योजना थी, तो मोस्टली जो सेंटर काम करता है कोशिश करेगा कि वो यूनियन टेरिटरी में ही करे, अगर उसकी सरकार नहीं है तो, पटना में उसकी सरकार नहीं है, ठीक है, तो पटना आंसर होता नहीं, बाकी दो बनों बच जाते हैं, मध्य प्रदेश और पुणे में है, बिल्कुल है, तो पौंडीचेरी वैसे हमारा सही आंसर है, पौंडीचेरी सही आंसर। अच्छा, क्लाइमेट चेंज मिशन एक तो इंडिया लेवल पे चल ही रहा है, वर्ल्ड में अभी हमारी मीटिंग हुई थी, कौन सी मीटिंग हुई थी क्लाइमेट चेंज को लेकर, अभी COP27 की मीटिंग हुई थी, है ना, COP27 की मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज कराता है, UNFCCC, ये से ऑर्गेनाइज कराता है, 1992 से ये प्रथा चली आ रही है इसे कंडक्ट कराने की, और कॉप की मीटिंग में ही दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल तुम्हें देखने को मिलेंगे, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, अगर कभी मौका मिले सुन लो बस, तो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, ये दोनों ही एग्रीमेंट हमें इस UNFCCC के अंडर देखने को मिलते हैं। खैर उन्हें छोड़ो, इंडिया ने पिछली साल 2021 में प्रॉमिस किया हुआ है कि हम 2070 तक नेट कार्बन एमिशन जीरो कर देंगे, और पूरी दुनिया का टारगेट रखा गया है 2050 तक, पूरी दुनिया 2050 तक करेगी और इंडिया 2070 तक करेगी नेट कार्बन एमिशन जीरो, यानी कार्बन जितना हम एमिट करेंगे उतना एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो अब यहां पर तमिलनाडु पहला स्टेट बन गया है जिसने अपना खुद का एक फ्रेमवर्क, खुद का एक मिशन लॉन्च किया है क्लाइमेट चेंज को लेकर, ठीक है, तो एम के स्टालिन काफी ठीक ठीक काम कर रहे हैं, बलवास सिंह की थोड़ी सी चीजें अलग लग रही हैं, खैर कोई नहीं, एम के स्टालिन का कहना है कि हम इंडिया को लीड करेंगे इस मामले में, लीड करेंगे मतलब इन द सेंस हमारे मॉडल को बाद में चल के इंडिया फॉलो करेगा, ठीक है, तो नेट कार्बन एमिशन जीरो इंडिया से पहले करने की बात कर रहे हैं। विच स्टेट सेटअप इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिज कोऑर्डिनेशन कमेटी, इंटरकास्ट इंटरफेथ क्या होता है, दूसरी कास्ट में सेम क्या होता है,
आंसर तुम्हारा सही है, आंसर तो सही है। देखो होगा क्या, जैसे महाराष्ट्र में ये बात चल रही है कि ऐसी कमेटी बनाई गई है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये करेगी ये कि अगर कभी किसी की शादी होती है, ठीक है, तो ये बिन बुलाए बाराती होंगे, ठीक है, दूल्हे की तरफ से भी और दुल्हन की तरफ से भी। आप जी शादी कर रहे हो तो फिर पहले ये तुम्हारे घर की जांच करेंगे, तुम्हारे परिवार की पूरी जांच परख करेंगे कि वास्तव में तुम क्या हो, ठीक है, सेम रिलीजन है कि नहीं है, सेम कास्ट है कि नहीं है, नहीं है तो तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम्हारा पूरा जन्म कुंडली ये निकाल के लाएंगे, ठीक है, और इनकी देखरेख में फिर तुम्हारी शादी हुआ करेगी। और लव जिहाद वाले जो मामले आ रहे हैं इनको लेकर भी ये ज्यादा एक्टिव है, मतलब इनका जो हेड बनाए गए हैं इस कमेटी के, ये वो व्यक्ति हैं, नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि गौ हत्या पर, गाय की हत्या पर कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, और कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है फांसी, ठीक है, बीफ एक्सपोर्ट बैन होना चाहिए, यानी काफी कट्टर हिंदूवादी हैं, और ये उस विचारधारा को बिलोंग करते हैं जो ये कहते हैं कि भाई मुस्लिमों की जो संख्या है ये बढ़ती जा रही है और एक दिन हम गुलाम बन जाएंगे, और सोच रहे हो उस लेवल के व्यक्ति को यहाँ पे ये बनाया गया है। तो अब ऐसे लेवल का व्यक्ति क्या ही करेगा, तुम इमेजिन कर सकते हो। देखो जब बाल ठाकरे थे तब भी महाराष्ट्र में हिंदूवाद अपने आप में बड़ा प्रमुख मुद्दा हुआ करता था, क्योंकि वो थोड़ा सा हिंदुओं के लिए ज़्यादा बात करते थे, अब कितनी सही थी कितनी गलत थी वो बात अलग है, लेकिन वो ऐसा जरूर दिखाते थे कि हाँ हिंदुओं की चिंता हमें ही है, और यही काम अब बीजेपी भी करती है, तो वो ये दिखाती है कि सिर्फ हिंदुओं की चिंता करने वाला इस दुनिया में वही है, तो एंटी मुस्लिम और प्रो हिंदू रहने का काम ये कमेटी करेगी। तो इससे इतना तो क्लियर हो ही जाता है कि ये टांग तोड़ाएंगे, ठीक है। यूजली क्या है, हमारा एक एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट 1956, उसमें ये कहा गया है कि अगर आप, अच्छा ऐसे एक्ट बहुत बने हैं, हर स्टेट में लगभग ऐसे एक्ट बन रखे हैं कि जब भी आपको इंटर रिलीजन शादी करनी होती है तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके परमिशन लेनी पड़ेगी 1 महीना पहले। कुछ स्टेट में ये प्रावधान 1 महीने का है, कुछ में ये 2 महीने का है, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि हम ऐसी ऐसी शादी करने वाले हैं, ये परमिशन देंगे तभी शादी होगी, ठीक है। अब ये भी चैलेंज है कोर्ट के सामने, ये भी प्रावधान हमारा चैलेंज अंडर चैलेंज है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भेदभाव नहीं किया जा सकता है ना, कह सकते हो कि भेदभाव क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेशन, हाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है किस बेसिस पर, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, ठीक है, इनके बेसिस पर, रेस, इनके बेसिस पर आपको रिलीजन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। खैर स्पेशल मैरिज एक्ट भी हमारा कह सकते हो कि कंट्रोवर्सी में है, और इसके साथ साथ ऐसे ही एक्ट, ऐसे ही प्रावधान लगभग हर स्टेट ने बना रखे हैं ताकि लव जिहाद वाले मामले को रोकने के लिए। कोशिश ये करेंगे कि जब भी कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करे तो वो रिलीजन चेंज ना करे, और हमारे यहाँ पर रिलीजन चेंज करने के लिए भी प्रावधान बने हुए हैं कि आप रिलीजन चेंज किस कंडीशन में कर सकते हो, किस कंडीशन में नहीं कर सकते हो। अब अगर आपको सिर्फ शादी करने के लिए रिलीजन चेंज कर रहे हो तो वो कन्वर्जन नहीं माना जाएगा, यानी आपका धर्म चेंज नहीं हो सकता है। अगर आपको किसी ने लालच दे के धर्म परिवर्तन करा रहा है तो वो भी वैलिड कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। अगर कोई धमका कर आपसे रिलीजन कन्वर्जन करा रहा है तो वो भी इनवैलिड माना जाएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में आपका जो कन्वर्जन है ये वैलिड रहेगा, जब आप खुद चाहें कि अब मेरा मन नहीं कर रहा, मैं दूसरे भगवान की पूजा करूँगा, यू कैन चेंज। और कभी मन भर जाए कि यार ये भी कुछ नहीं कर रहे, दूसरा कर लो, ये कर सकते हो।
और बल्कि हमारे हिंदू धर्म में तो कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, कई सारे ऑप्शन हैं कि ठीक है राम से बोल के देख लो, काम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर शंकर के पास चलेंगे, और शंकर के पास भी ना हो चलते हैं, कृष्ण के पास चलते हैं, ठीक है, इनमें से किसी के पास ना हो तो चलो फिर राम रहीम के पास चलते हैं, ठीक है, हमारे बाबा बहुत हैं, कोई ना कोई तो काम बनवाएगा ही। खैर द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। कार्बन न्यूट्रल, अच्छा अभी एक बहुत ज्यादा जोर चल रहा है कार्बन न्यूट्रल को लेकर, और आगे आने वाले समय में तुम देखोगे भी कि तुमको कुछ ऐसी मशीनें भी मिल जाएं देखने को जो कार्बन को एब्जॉर्ब कर रही हैं, पॉल्यूशन को कम करने का काम करें और एब्जॉर्ब कार्बन को एब्जॉर्ब करने का काम करें, और ऐसी मशीनें हैं, ठीक है, इंडिया में भी हैं कई सारे, ये मशीन लगाई भी गई हैं। खैर कहां पर है ये, केरला में। विच स्टेट असेंबली पास बिल टू रिमूव गवर्नर एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी। देखो जो गवर्नर होते हैं ना ये बाय डिफेक्टो चांसलर होते हैं, यानी जो भी गवर्नर होगा वो स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा बिना अपॉइंट किए। जैसे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, अलग से इलेक्शन नहीं होता इनका, अपने आप ही हो जाते हैं, सेम तरीके से जो गवर्नर हैं ये चांसलर होते हैं। और अगर तुम्हें ये याद हो तो केरला, ठीक, केरला के, केरला और आरिफ मोहम्मद, और काफी लंबे वहां पे कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं देखो भाई उसमें जो गवर्नर हैं तो साइन होने के लिए गवर्नर के पास जाता है, क्या लगता है गवर्नर साइन करेंगे खुद को हटाने के लिए, है ना, मजेदार चीजें होती हैं। और बल्कि तब जब तुम्हारी लड़ाई हो रखी हो भाई, अगर यारी दोस्ती हो रही होती तो फिर हो सकता है कि एक एक कोल्ड ड्रिंक में मान जाते, एक एक समोसा खा लो यार साइन कर दो, मान भी जाते, तो ऐसी कंडीशन है तो मुश्किल है, लेकिन खैर ये है। अच्छा ऐसा एक बार नहीं है कि सिर्फ केरला का विवाद हुआ है, ऐसा लगभग हर स्टेट के साथ है, किंतु सरकारें अलग अलग होती हैं, वहां पर गवर्नर टांग अड़ाते ही हैं और काफी अच्छी मात्रा में अड़ाते हैं टांग। वेस्ट बंगाल के रहे थे ये जगदीप धनखड़, तो इन्हें फिर वहां से उठा के वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था, उन्होंने टांग अच्छी अड़ाई थी, तो हटा दिए थे, ठीक है। तो ये कोशिश की जा रही है जरूर कि ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए, लेकिन कुछ फाइनल अभी है नहीं, ठीक है। और खैर इस पर सुप्रीम कोर्ट अपने आप देखेगा, हमारे हम क्यों एनालाइज करने लगे इतना। विच कंट्री अनाउंस द न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू हेल्ड एज अ माइल स्टोन फॉर द फ्यूचर ऑफ क्लीन एनर्जी। तो किसी कंट्री ने कहा है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, असल में फ्यूजन, फिजन और फ्यूजन दो रिएक्शन होती है न्यूक्लियर में, बॉम्ब बनते हैं इनसे, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और हमारे यहाँ भी न्यूक्लियर एनर्जी से, न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, थर्मल पावर प्लांट लगते हैं, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। अभी बोल रहे हैं कि उसमें हम फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम फ्यूजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम फ्यूजन का इस्तेमाल एनर्जी हासिल कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। ये बात किसने कही है,
यूएसए। अच्छा, जब भी न्यूक्लियर की बात हो रही हो, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर कैपेसिटी है या इतनी अकल है? आंसर ना भी पता हो तब भी, देखो हर बार तुम्हें आंसर नहीं पता होगा, इस बात को मान के चलो, कुछ बातें दिमाग से भी लगानी पड़ेंगी, ठीक है। अब इसमें हैती, गबोन, कोलंबिया, इनका नाम ही नहीं सुना होगा तुमने, ये हैं भी या बस लिख दिए हैं, ठीक है। अब बचा यूएस, हाँ इसमें मामला तब पड़ जाता अगर यूएसए होता, रशिया होता, चाइना होता और इंडिया होता, या इंडिया की जगह यूके या फ्रांस होता, तब मामला फंस जाता कि अब आंसर क्या होगा। ये तो भी बात ही की थी, न्यूजीलैंड, हु अपॉइंटेड, सॉरी WHO अपॉइंटेड हुम एज चीफ साइंटिस्ट टू रिप्लेस सौम्य स्वामीनाथन। तो WHO में ये चीजें चलती रहती हैं, कोई आता है कोई जाता है, तो इसमें कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है कि इंडियन को हटा दिया, ठीक है। तो ये चीज चलती रहती है, किसे अपॉइंट किया जा रहा है अब? जेरमी फर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मैं आपको ये PDF सेंड करा दूंगा, घर पे जाके आराम से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।